हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इसमें कुछ मैं अपना लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। ये वीडियो हमारे फादर लास्ट मंथ में एक्सपायर हो गए, और 29 अप्रैल को आई लॉस्ट माई फादर एंड ही वॉज कोविड पॉजिटिव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी फोटो आपके सामने है, और उनके लिए कुछ लाइंस मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि वैसे तो हर फादर का एक डॉटर के लिए एक अहम रोल होता है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं अपने पापा के लिए। हर खुशी थी आपसे, जन्नत थी आपसे, हौसला देने वाले वो आप ही तो थे। हर पल मेरा साथ देने वाले वो आप ही तो थे। हमेशा हमें खुशी देने वाले वो आप ही तो थे। पता है मुझे, मेरे ईश्वर आप ही तो थे। पापा, आप जहां भी हों खुश रहें, ये ईश्वर से कामना है मेरी। आप पास नहीं पर साथ हो मेरे, ये पता है मुझे। जानती थी कि हर शख्स के माँ बाप एक दिन जाते हैं, पर ये ना पता था कि आप इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़ देंगे। खैर, जो हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। अब बस मेरे परिवार पर ईश्वर दया बनाए रखे। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। पापा, आई लव यू। हमारी हिम्मत और ताकत हमेशा बनी रहिएगा आप। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे पापा बहुत ही फिट थे, बस वो हाइपरटेंसिव थे लास्ट 10 ईयर्स से, और अचानक से 11th और 12th ऑफ अप्रैल से उनको फीवर आया। एंड अर्लियर स्टेज में हम लोग को लग रहा था कि शायद वायरल ही होगा, बट वो कुछ दिनों तक ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने कोविड टेस्टिंग कराई। बहुत ज़्यादा उनका इन्फेक्शन नहीं था, माइल्ड इन्फेक्शन था, बट उनका जो SpO2 लेवल था वो धीरे धीरे कम हो गया था। तो 22 अप्रैल को हम लोगों ने उनको हॉस्पिटलाइज कराया, और इसी उम्मीद के साथ हॉस्पिटलाइज कराया था कि वो कोप अप कर जाएंगे और कवर हो जाएंगे। प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उनको एडमिट कराया। इनिशियल डेज में 22, 23, 24, 25 अप्रैल तक पापा की कंडीशन स्टेबल थी, और रेमडेसिविर जब उनको एंटीवायरल इंजेक्शन दिया गया तो उनकी कंडीशन कुछ अनस्टेबल हुई। और 28 को काफ़ी प्रॉब्लम थी, मैं उनसे हॉस्पिटल मिलने गई, और 29 को मॉर्निंग में उन्होंने खुद से मिल्क और कुछ जूस वगैरह लिया। उसके बाद अचानक से वो अनकॉन्शियस हो गए, और शायद उस समय उनका जो BP था वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया था। और जब मैं हॉस्पिटल विजिट करने गई तो उनका BP 260/160 था, एंड दैट वाज द कार्डियक अरेस्ट। और उस समय पे हम लोगों ने उनको एज डॉक्टर सजेस्टेड, तो हम लोगों ने उनको ICU में शिफ्ट कराया। उसके बाद भी चीज़ें स्टेबल नहीं थी। ICU में एडमिट कराने के बाद हम लोग वापस घर आ गए, और रास्ते में ही थे कि हॉस्पिटल से दोबारा फ़ोन आया 29 अप्रैल को शाम को 4 बजे, और ये पता चला कि पापा हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। मेरे पापा बहुत ही जॉली नेचर के थे और एक पॉजिटिव अप्रोच वाले फादर थे, और इनकी कमी इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता है। पापा को बस मैं यही बोलना चाहूँगी, पापा अब हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग माँ का ध्यान रखेंगे और खूब जीवन में सफलताएं हासिल करेंगे, और आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ है, ये हमें पता है। आप जहाँ भी हैं आप खुश रहें, आपकी आत्मा को शांति मिले। और इस वीडियो में मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। थैंक यू। आई लव यू माई फादर।